सारे कहो कि बजर गलती है और संगत वाली मुंह करके एक बार कहो। एक साल तुसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी जिहड़ा अहुदा जिहड़ा है वह प्राप्त नहीं करोगे, मंजूर है? भावें वह अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन की अनगहली सी। की ये गलती रही है कि असी पता करते महीने बाद पता करते दो महीने बाद पता करते कि पश्चाताप का अखंड पाठ साहब होया नहीं होया? और माफी मंगने वास्ते सारी संगत तो असी इतने पहुंचे हैं। मुलाजम जड़े ने वो कबले के घबरा करी जाते हैं, पैसे जड़े अपन जेबां च पाई जाते हैं। की ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गलती नहीं है? सिख कौम अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गायब होए 328 पावन स्वरूपां दा मामला पूरी तरह नाल सुलग रहा है। इस मसले उत्ते अज यानी कि 18 सितंबर 2020 नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे 2016 दी SGPC दी समुची अंतरिम कमेटी नूं पेश होण दे हुक्म दिते गए सी। कमेटी दे नाल नाल उस वेले दे मुख सकत्तर भाई हरचरण सिंह नूं भी तलब किया गया सी, पर पिछले दिनी उन्हां दी अचानक मौत हो गई सी। अंतरिम कमेटी ने तो हुक्मां मुताबिक पेश होना ही सी, पर मौजूदा कमेटी भी खुद पश्चाताप करन पहुंची। खास गल रही कि यह पेशी श्री अकाल तख्त साहिब सकत्रेत विखे नहीं बल्कि श्री अकाल तख्त साहिब विखे संगत दे सामने हुई। अज की कार्रवाई की मीडिया कवरेज करन दी भी खोल दिती गई। जथेदार हरप्रीत सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब की फसील तो संबोधन करदियां कहा कि 2016 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपां दे गायब होण अते अगन भेंट होण दी जिहड़ी घटना वापरी सी उस दे लई SGPC दी तत्काली अंतरिम कमेटी ने पश्चाताप लई पूरा भी यतन नहीं कीता, जिहड़ा कि बहुत जरूरी सी। जथेदार साहिब ने उस वक्त दे सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक तो स्पष्टीकरण मंगिया। विरक दे स्पष्टीकरण तो बाद जथेदार साहिब ने उन्हां दी गलती नूं बज्जर गलती दसदिआं संगत दे सामने अपनी गलती मन्नण नूं कहा। उत्थों तक दी सारी कारवाई तुहानूं दिखाउने आ। जो श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों श्रोमणी कमेटी दी अपील दे उत्ते पड़तालिया कमेटी बनी सी, उसने अपनी रिपोर्ट दे विच इस गल दा खुलासा कीता कि पता लग्गिआ कि जो अगनदाह दी घटना वापरी गुरद्वारा रामसर साहिब विखे प्रिंटिंग प्रैस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर इस घटना लई पश्चाताप करन दा पूरा भी यतन नहीं किया, जो कि अति जरूरी सी। भावें वह अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन की अनगहली सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चाहीदा सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के हजूर नतमस्तक होंदी और अरदास करदी कि हे अकाल पुरख हे सच्चे पातशाह, जो ये अगनदाह की घटना वापरी है ये साड़ी अनगहली है, सानू खिमा कर ते अगे तो समत बख्शिश कर ताकि असी योग ढंग दे नाल आप जी की सेवा संभाल कर सकी। पर ऐसा करन दी खेचला जिहड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं होई। सुखदेव सिंह कौर जो उस वेले दे जनरल सकत्तर है उन्होंने कहा अपने एक लिखती स्पष्टीकरण दे विच कि उस वेले दे प्रधान अवतार सिंह नूं उन्होंने कहा कि पश्चाताप करवाना चाहिए है, पर उन्होंने गल नहीं मनी गई। प्रधान ने गल नहीं मनी, सकत्तर ने गल नहीं मनी, ना इस वक्त प्रधान है तो ना इस वक्त सकत्तर है। 2016 दे विच जो अंतरंग कमेटी के मैंबर से उन्होंने सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक वो अगे आके इस गल का स्पष्टीकरण देन कि अंतरंग कमेटी की मीटिंग दे विच इस संबंधी कोई मता पाउण दा जिक्र उजर जां कोशिश कीती गई, जे कीती गई किहदे वल्लों कीती गई, जे नहीं कीती गई तो क्यों नहीं कीती गई? प्रधान साहब ने यह भी कहा कि जल्दी तो जल्दी सलाह करके सारे नाल सिंह साहिबानां नाल इहदे बारे फैसला लिता जाए। की यह अखंड पाठ फिर होया कि पश्चाताप किया गया? प्रधान साहब नी बेनती कर दी सारैसला उन्होंने लैना। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने फैसला लेना है कि अंतरिम कमेटी के मैंबर जिहड़े असी बनने हैं, और हर साल जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण होंगी है सालाना
असी देखते हैं कि हर मैंबर जिहड़ा है वह अडजैक्टिव दे विच आउण लई जां अहुदेदारियां लैण लई यतन करता है तो जे अधिकार ही कोई नहीं है किसी अडजैक्टिव के मैंबर नूं तो फिर यह भज नट क्यों की जाती की यह गलती नहीं है कि असी पता करते महीने बाद पता करते दो महीने बाद पता करते कि पश्चाताप का अखंड पाठ साहब होया नहीं होया पश्चाताप किया नहीं किया करना चाहिए सी कि इसलिए यतन किया कोई 15 दिन बाद महीने बाद दो महीने बाद उस तो बाद साल रहे हो तुसीं कि एक साल के दौरान पता किया कि यह गलती नहीं है अडजैक्टिव तुसी सारे अडजैक्टिव कमेटी के मैंबर इस गल कबूल करते हो कि यह गलती है बजर सारे कहो कि बजर गलती है यह और संगत वाली मूँह करके एक बार कहो सारी संगत वाली मूँह करके कहो कि पश्चाताप ना करवाना यह बजर गलती है कमेटी की संगत दे सामने अपनी गलती दा एहसास करवा के जथेदार हरप्रीत सिंह ने 2016 दी अंतरिम कमेटी नूं महीने दे अंदर अंदर एक सहज पाठ आप करन जां करवाउण दी सजा लाई। जथेदार साहिब ने सारी अंतरिम कमेटी नूं अपने घर दे किसी भी नेड़े दे गुरद्वारा साहिब जा के उन्हां दी शरीरक समर्था दे मुताबिक सेवा करन दी वी धार्मिक सजा लाई। जथेदार साहिब ने हुक्म कीता कि उस वक्त दे अंतरिम कमेटी दे सारे मैंबर एक साल तक SGPC दे अंदर कोई भी अहुदा हासिल नहीं कर सकणगे। पंच सिंह साहिबान वालों जो तनखाह नियत की गई है वो तुहानू सुनाई जांदी है। एक सहज पाठ आप करना जिहड़े आप पाठ करन दी समर्था नहीं रखते उन्होंने पाठ अपने घर दे विच ग्रंथी सिंह पासों प्रारंभ करवा के वध तों वध सुनना मंजूर है एक महीने के अंदर अंदर जे आप पाठ करना है दो महीने भी लग जाएंगे तो कोई गल नहीं जे आप करना तो दूसरा जिन्ना चिर सहज पाठ चलेगा तुसीं आप करो पाठी सिंह तो रखवा के सुनो उन्ना चिर नेड़े गुरुद्वारे के जाके अपनी शरीरक समर्था मुताबक सेवा करनी है मंजूर है। तीसरा एक साल तुसीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी जिहड़ा अहुदा जिहड़ा है वह प्राप्त नहीं करोगे मंजूर है। जायदाद सब कमेटियां उन्होंने कार्यशील रहोगे लेकिन होर किसी विशेष सब कमेटी के जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनती है वो शामिल नहीं होगे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी आदेश किया जाता है कि वो इस हुक्म की जी है वह पालना करवाए मंजूर है। मत्था टेको श्री अकाल तख्त साहब से फिर बैठ सकते हो। 2016 की अंतरिम कमेटी तो बाद वारी आई मौजूदा अंतरिम कमेटी की। SGPC के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल श्री अकाल तख्त साहिब के सन्मुख पेश होए अते 2016 दे विच वापरी घटना दे लई सारी अंतरिम कमेटी ने समुची सिख कौम तो माफी मंगी। जथेदार साहिब ने कमेटी के सारे अहुदेदारां नूं तनखाह लाउण तो पहला श्री दरबार साहिब की परिक्रमा करके आउण नूं कहा। लेकिन साडे श्रोमणी अकाली दल दे कुछ अधिकारियों वल्लों अपने लालच बस अपनी बेईमानी करके ये श्री गुरु महाराज के पावन स्वरूप जिहड़े सी उन्हां दीआं दर्शनी भेटा अपने कोल रख के दिंदे रहे सन और जिस दी तुसीं जांच भी करवाई है असीं तुहाडे धन्नवादी हाँ कि 328 जिहड़े पावन स्वरूप सन वह संगतां नूं और बिना रसीद कट्टिआं वह भेटा जेब 'च पा के दित्ती गई। लेकिन यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाल संबंधित मामला है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब के नाल आस्था रखते हाँ सो इस गल का असीं भी मौजूदा जिनी साडे अहुदेदार ने और जिनी अंतर कमेटी के मैंबर साहबान ने सारिआं दे इस गल का बहुत बड़ा बोझ है कि यह घटना एक बहुत ही माड़ी घटना उस समय वापरी अफसोस ना घटना वापरी सो ये करके असीं सारे तुहाडे सन्मुख हो के सारी सिख संगत तो समुची कौम तो भी और खिमा जाचना जिहड़ी असी सारी अज की जिहड़ी मौजूदा अंतर कमेटी है सारे अहुदेदार ने वो जाच कामना और माफ़ी मंगने वास्ते सारी संगत तो असी इत्थे पहुँचे हाँ। जिस जगह के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के सरूपों की प्रकाशना होंदी है उस जगह तो कुछ कर्मचारी जिहड़े ने संगतां नूं गुरद्वारा कमेटियां नूं जिहड़ा जिवें कि रिपोर्ट के दस्सिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप देंदे ने बनती भेटा जिहड़ी है वह अपनी निजी हितां लई खर्च करदे आ और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है इन्हां घपलियां तों बिल्कुल अणजाण है कोई पता नहीं है कि पब्लीकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजम जिहड़े ने वह घपले ते घपला करी जांदे आ ते पैसे जिहड़े अपनियां जेबां च पाई जांदे आ। की यह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गलती नहीं है कि कदे देखण दा यतन ही नहीं कीता कदे लैजरां की पड़ताल नहीं की है
कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन सरूपा नूं देखण दा जतन नहीं कीता? की ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं अणगहलियां नहीं हैं? पंच सिंह साहिबान दे वल्लों तनखाह लगाई गई है। जथेदार हरप्रीत सिंह ने मौजूदा अंतरिम कमेटी मैंबरां नूं तनखाह लाउंदिआं कहा कि एसजीपीसी प्रधान समेत इस सारे अहुदेदार एक एक अखंड पाठ श्री गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे करवाउणगे अते एक अखंड पाठ श्री अकाल तख्त साहिब विखे करवाउणगे। अखंड पाठ साहिब दे जारी रहण दे तीन दिनां दे दौरान सारे अहुदेदारां ने सारागढ़ी निवास तो लैके ड्यूटी तक रोजाना एक घंटा झाड़ू मारन की सेवा करनी है। एसजीपीसी के सारे अहुदेदार सिर्फ 28 तरीक के इजलास वाले दिन नूं छड़ के एक महीने तक किसी भी जनतक समागम नहीं बोलणगे। जथेदार साहिब ने एक होर सख्त मौजूदा अंतरिम कमेटी नूं सुणाउंदिआं कहा कि एसजीपीसी जो भी फैसला लवे उस नूं पहलां विद्वानां चिंतकां दे नाल सलाह मशवरा करके लवे। उन्हां स्पष्ट कीता कि वार वार फैसले बदलण नाल श्रोमणी कमेटी की मर्यादा नूं ढा लगदी है। एक श्री अखंड पाठ साहिब श्री अकाल तख्त साहिब मंजूर है। जदों श्री अकाल तख्त साहिब के अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किया जाऊगा उस समय दौरान तीन दिन समुचे मैंबर अहुदेदारा ने जिहड़े जिम्मेवार ने एग्जैक्टिव के खास तौर पर यह सारागढ़ी निवास तो लैके ड्यौड़ी तक एक घंटा रोज झाड़ू मारन की सेवा करनी मंजूर है। अज की कार्रवाई के दौरान जथेदार हरप्रीत सिंह ने सत्कार कमेटियां अते एसजीपीसी दी टास्क फोर्स दे विचकार जिहड़ी झड़प होई सी उस दे विच इक निहंग सिंह दी दस्तार उतारन दे मामले विच एसजीपीसी नूं आदेश कीता है कि निहंग सिंह दी दस्तार उतारन वाले जिम्मेवार मुलाजमां नूं पंच प्यारां दे सन्मुख खिमा जाचना करन दे लई अमृत संचार वाले दिन भेजिया जावे। इस दे नाल ही जथेदार साहिब ने सुच्चा सिंह लंगाह दे नाल मिलवरतन रखण वाले एसजीपीसी मैंबर गुरिंदरपाल सिंह गोरा साबका धर्म प्रचार कमेटी मैंबर रतन सिंह जफरवाल अते सरचांद सिंह नूं तनखाह लाई। जथेदार साहिब ने इन्हां सारिआं नूं इक सहज पाठ करन पांच दिन अपने स्थानक गुरुद्वारा साहिब विखे अते दो दिन श्री दरबार साहिब विखे सेवा करन अते कीर्तन सुनन लंगर दे विच बर्तन मांजण दी तनखाह लाई। तनखाह पूरी होने तो बाद यह सारे श्री अकाल तख्त साहिब विखे 1100 रुपए की कड़ाह प्रसाद की देग अते 1100 रुपए ही गोलक दे विच पाउणगे। जथेदार साहिब ने यह भी कहा कि इन्हां दी तनखाह पूरी होने तक संगत इन्हां दे नाल किसी भी प्रकार का सहयोग ना करे। सहयोग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की। सो अज दी इस सारी कार्रवाई के दौरान भावें कि संगत नूं एक बड़े ही विलक्षण तरीके दे नाल जां कह लईए कि पुरातन तरीके दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब तो किसी भी मसले नूं लैके हुई कार्रवाई का माहौल देखने नूं मिलिया, पर एक वड्डा सवाल हाले भी उत्थे दी उत्थे ही खड़ा है कि 328 पावन सरूप जिहड़े गायब हुए ने वह कित्थे गए ने, गायब किस दे हुक्म ते हुए ने, किसने किस नूं दित्ते ने ते क्यों बिना रिकॉर्ड दे विच चढ़ाए तो सरूप पब्लिकेशन ब्यूरो तो कढ़े गए यह वड्डा सवाल हाले भी ज्यों दा त्यों खड़ा है। श्री अमृतसर साहिब तो द खालस टीवी की खास रिपोर्ट।